दोस्तों इंडिया मार्ट इंटरमेश का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 50% से ज़्यादा करेक्शन इस शेयर में आ चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट के बारे में, इसका क्या बिजनेस है, क्या ये फ्यूचर में आगे ग्रोथ के लिए अपना सोच रही है, इसके फंडामेंटल्स यहाँ पर कैसे दिख रहे हैं, और एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसका जो शेयर प्राइस है वो इतना ज़्यादा करेक्ट क्यों हुआ है और इन्वेस्टर्स को इस शेयर में किस स्ट्रेटेजी से इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इंडिया मार्ट की एक बेसिक डिटेल्स पे बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो दोस्तों ये इंडिया की पहली B2B डिजिटल मार्केट प्लेस है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये कंपनी बहुत टाइम से एक गेम चेंजर की तरह काम कर रही है B2B के लैंडस्केप में, और इसका जो मेन टारगेट रहता है वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये छोटे जो बिजनेसेस होते हैं उनको आपस में मिलवाने का काम करती है, जैसे इसका प्लेटफॉर्म चलता है। अगर हम दोस्तों इसकी और कंपनी के प्रोफाइल के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसका जो प्रेजेंस है, सिर्फ ये एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, ऐप भी है इसकी, तो यहाँ पर जो इसका प्रेजेंस है वो अपने आप ही इंडिया बेस्ड यहाँ पर हो गया है। अगर आप देखेंगे अकाउंट्स की बात करें तो 33% बायर्स जो हैं वो मेट्रो सिटीज़ के हैं, Tier 2 सिटीज़ के 26 और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के 41 बायर्स यहाँ पर है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड यहाँ पर इसका जो बिजनेस है वो हो जाता है। अगर ऑफिसेज की बात करें तो नेशन वाइड इसके 85 ऑफिसेज हैं और 4000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। जो B2B की क्लासिफाइड स्पेस है उसमें मोर देन 60% मार्केट शेयर इस वक्त ये कंपनी रखती है। लगभग 6 मिलियन सप्लायर्स का पोर्टफोलियो यहाँ पर इसके पास है और रजिस्टर्ड बायर्स की अगर हम बात करेंगे तो 102 मिलियन रजिस्टर्ड बायर्स भी इसके पास हैं। ट्रैफिक की बात करें तो 748 मिलियन का ट्रैफिक यूज़र्स का देखा गया है इसकी वेबसाइट पे, और रिपीटेड यूज़र्स का भी यहाँ पर अच्छा खासा देखा गया है ट्रैफिक की अगर आप बात करते हैं। और अगर आप बिजनेसेस की बात करेंगे तो बहुत सारे बिजनेसेस इसके जो प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। 71 मिलियन प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं और 56 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लिस्टेड इसके मार्केट प्लेस में देखने को मिलती है। और अगर दोस्तों हम बात करें इंडस्ट्री की तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट का लार्जेस्ट कैटेगरी इसके पास है, जहाँ पर आप 10% के आसपास देख सकते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, रॉ मटेरियल, क्लोथिंग एंड गारमेंट्स, पैकेजिंग मटेरियल, इस टाइप से अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज इसके पास है। और जो 95% इसका रेवेन्यू है वो जनरेट ये करती है सप्लायर्स और सेलर्स से जो इसके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होते हैं। तो बेसिकली ये उनको एक प्रीमियम अकाउंट बेचती है जहाँ पर एक मंथली या फिर एक ईयरली चार्जेस सप्लायर से और सेलर्स से लिए जाते हैं, ताकि ये उनके प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा प्रमोट यहाँ पर कर सके। थोड़ा मैं और इसके बारे में यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसने और भी बहुत सारी अब छोटे छोटे जो बिजनेसेस है उसको एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्वायर करना शुरू किया है। उसके उन बिजनेसेस को भी मैं एक बारी ब्रीफली आपको दिखाऊंगा क्या क्या बिजनेसेस इसने अभी एक्वायर किए हैं। उसके अलावा आप देखें व्यापार जो इसका एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी इसने एक व्यापार प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर इसने शुरू किया हुआ है, जहाँ पर ये ऑनवाइजिंग, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग वगैरह पे काम कर रही है। एक बारी मैं इसका प्लेटफॉर्म आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक अच्छा बेटर आइडिया मिलेगा। तो ये इंडिया मार्ट की वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ऑप्शंस मिल जाती है और यहाँ पर बहुत सारे सप्लायर्स ने लिस्ट अपने आप को किया है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फेस मास्क यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, रीयूजेबल विंडो स्कार्फ मास्क। तो ये आप यहाँ पर जाकर अपना अप्लाई कर सकते हैं। सप्लायर्स ने लिस्ट किया हुआ है, बायर्स को अगर बाय करना है तो वो इस वेबसाइट के थ्रू उनको कांटेक्ट करके बाय कर सकती है, और सेलर से ये कंपनी एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करती है लिस्ट होने के लिए। तो इस तरीके से इसका बिजनेस मॉडल यहाँ पर वर्क करता है। अब आइए इसके फाइनेंशियल्स हम एक बार ही देख लेते हैं चल के। तो फाइनेंशियल्स पे दोस्तों अगर हम इसके बात करते हैं तो सिंस अगर हम इसका लेटेस्ट यहाँ पर देखते हैं तो आप देखेंगे कि सेल्स की बात करें तो 187 करोड़ के आसपास की सेल इसकी अभी दिसंबर 2021 में हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 80 करोड़ के आसपास हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स इसके बहुत अच्छे हैं, 43% के आसपास। प्रॉफिट की बात करें तो 74 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 2-3 क्वार्टर से जो इसका प्रॉफिट है वो लगातार कम होता हुआ गया है। अब अगर दोस्तों हम इसकी ओवरऑल ग्रोथ पे बात करते हैं एक बारी, तो सेल्स ग्रोथ पे अगर आप बात करेंगे 10 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ है 25%, 5 सालों में 22%, हालांकि एक साल में जो ग्रोथ है वो 12% के आसपास ही हुई है। प्रॉफिट की बात करें तो 10 सालों में 19%, 5 सालों में 52% और 3 सालों में 81% के आसपास प्रॉफिट यहां पर देखने को मिला है। तो प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म में, सेल्स की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि एक साल में प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ इसकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड दिखती है, जिसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पे भी देखने को मिलता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पे बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग आप देखेंगे शुरू में पिछले एक दो क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने दिखाई है, मगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे लगभग एक जैसी ही यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स FIIs और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की अच्छी खासी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखती है, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इस शेयर को यहाँ पर परचेज किया है। और कुछ यहाँ पर डिटेल्स बेसिक में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। स्टॉक का PE 44 के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है। सिंस ये एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी है तो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंसेंटिव इंटेंसिव कंपनी नहीं है, तो अच्छा खासा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका काफ़ी अच्छा दिखता है। और अगर आप बुक वैल्यू से बात करेंगे तो बुक वैल्यू 572 की है, तो बुक वैल्यू से अगर आप करंट प्राइस को कंपेयर करेंगे तो थोड़ी स्लाइटली हायर साइड पे अभी ये दिखती है। अब दोस्तों कुछ ऐसी बातों पे बात कर लेते हैं कि इसका शेयर प्राइस अभी क्यों इतना ज़्यादा करेक्ट हो रहा है। तो एक बारी मैं फिर से आपको इसके फाइनेंशियल्स पे लेकर चलता हूं। तो पहला रीज़न जिसकी वजह से यहाँ पर इसके शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप जून 2020 से देखिए जब इसका शेयर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ था। इसके ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखिए यहाँ पर 50%, 51%, 51%, ये तीन क्वार्टर्स में 50% से अबव के इसने ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन किए थे। और उसके बाद भी आप देखेंगे मार्च 21 में 48% और जून में भी 50%, तो यहाँ तक सब सही चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद कोविड-19 की जो सिचुएशन थी वो थोड़ी सही हुई और धीरे धीरे रीओपनिंग होने लगी सभी ऑफिसेज की, जिसमें से इंडिया मार्ट के ऑफिसेज भी इंक्लूड थे। तो उसकी वजह से अब हो क्या रहा है कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन पे इम्पैक्ट आ रहा है। एक तो इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट अब दोबारा से बढ़ रही है, कोविड-19 में काफ़ी सारी कंपनीज ने अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट कम कर ली थी, तो वहाँ पर IT सेक्टर में मैंने आपको दोस्तों कई बार बताया कि IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छे अच्छे पैकेजेस पे रखा जा रहा है, तो वो इम्पैक्ट इस कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी पे आने लगा है। और आप देखेंगे 43% के आसपास जो रीसेंट क्वार्टर थे उसमें इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स चले गए हैं। और कंपनी की मैनेजमेंट के हिसाब से आने वाले टाइम में, यानी कि जो हमने मार्च 21 का क्वार्टर देखा है वहां पर और भी ज्यादा इम्पैक्ट इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे आ सकता है। तो इसके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो 38 से 40 के बीच में जाकर स्टेबल होंगे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, जैसे कि इसकी मैनेजमेंट ने यहाँ पर बताया है। तो उस चीज का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके शेयर प्राइस पे। उसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ क्या है कि जो इसके रिसेंट में ग्रोथ है, हमने देखा है एक साल में 10%, 12% की ग्रोथ हुई है, तो उसका इम्पैक्ट भी इसके शेयर प्राइस पे आ रहा है। क्योंकि इसका शेयर प्राइस अगर आप शेयर की ग्रोथ देखेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि शेयर की ग्रोथ अभी -46% के आसपास चली गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन इसके शेयर में देखने को मिली। 9711 से गिर के इसका शेयर 4400 के आसपास अभी आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन यहाँ पर हो चुकी है। उसका रीज़न, दूसरा रीज़न दोस्तों हमने बात की, एक तो प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन्स, और मार्जिन्स पे इम्पैक्ट अभी आने वाले टाइम पे भी आएगा। दूसरा इसका जो ट्रैफिक है वो भी लगातार नीचे आ रहा है। उन क्वार्टर्स में जब इसका ऑपरेटिंग मार्जिन्स 50-51% के आसपास चले गए थे, तब इसके जो कंपनी के ट्रैफिक थे, जो इसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक था वो काफ़ी अच्छा था, जो कि अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि पेंटअप डिमांड जो थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो उस वजह से स्टॉक मार्केट को लग रहा था कि ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, जो कि फिर एक स्टेबिलिटी अब इसके ऑनलाइन ट्रैफिक में भी आ गई है, जिसका जो भी एक रीज़न है कि यहाँ पर करेक्शन देखने को मिली। तो जो कोविड-19 का वो जो एक 6-8 महीने का टाइम था उसमें इस कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई, इसके जो ऑनलाइन ट्रैफिक था वो भी बहुत अच्छा आया, जिसकी वजह से इसका शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। फिर जैसे जैसे इसका बिजनेस नॉर्मल होने लगा, इसका शेयर प्राइस भी करेक्ट यहाँ पर होने लगा है। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस गिर रहा है कि कंपनी लगातार बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ को एक्वायर कर रही है। तो अगर आप अभी देखेंगे, रिसेंट की ये न्यूज़ है 2-3 दिन पहले की, कि कंपनी ने एक्वायर किया है लाइव कीपिंग कंपनी को। अब अगर हम इस कंपनी के ब्रांड की बात करते हैं तो ये कंपनी प्राइमरली ब्रांड एग्जिस्ट करती है इसका टेली। तो टेली एक सॉफ्टवेयर है जहां पर छोटे जितने भी बिजनेसेस हैं वो अपने अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं। इससे पहले इसने बिजी के सॉफ्टवेयर को भी परचेज किया था और ऐसा मार्केट में माना जा रहा है कि ये जो परचेजेस हो रही हैं ये थोड़ी हायर साइड पे हो रही है। अब आप देखिए रिसेंटली इसने कितनी सारी कंपनीज में यहां पर इन्वेस्ट किया है। व्यापार में हमने बात की थी, उसके बाद बिजोम, शिपवे, लेजिस्टिफाई, सुपर प्रोक्योर, तो बहुत सारी कंपनीज में ये लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो एक चीज़ हमेशा डाउटफुल आती है कि जब भी कोई कंपनी इतने सारे सॉफ्टवेयर्स में, इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है तो ये होता है कि इन सभी इन्वेस्टमेंट में सारी इन्वेस्टमेंट्स तो अच्छी नहीं होगी। तो वो चीज़ एक नेगेटिव चीज़ जा रही है इस कंपनी के लिए कि बहुत सारी कंपनीज में ये इन्वेस्टमेंट कर रही है और जो अपना कोर बिजनेस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। तो देखने वाली बात ये रहने वाली है कि आने वाले टाइम में जो ये करना चाहती है, क्योंकि अब ये कंपनी फोकस क्या कर रही है कि जो भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको एक एंड टू एंड ये बिजनेस का जो एक सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करें। जैसे कि ऑनलाइन इनवॉइसिंग हो गया, उसके अलावा टेली का सॉफ्टवेयर अब इनके पास आ गया है, बिजी का सॉफ्टवेयर इनके पास आ गया है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर को मिला के ये कॉम्प्रिहेंसिव बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। तो अगर ये बेट इनकी चली तो हो सकता है इनकी ग्रोथ प्रॉफिट में अच्छी देखने को मिले, लेकिन अगर ये बेट इनकी नहीं चलती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान कंपनी को होने वाला है, क्योंकि ये बहुत सारी नई स्टार्टअप्स में धीरे धीरे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है जिसका एक इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि इस वक्त आपको शेयर में मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने ऊपर के लेवल पे इसको खरीद रखा है तो अभी तो ये, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा नीचे तो अभी ये नहीं जाएगा, तो अभी आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पेशेंस रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको क्या अब इस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो देखिए दोस्तों, न्यू एज कंपनीज जो हैं उनके बारे में मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटेजी हमेशा देता आया हूं कि आपको नहीं पता कि इन कंपनीज में से कौन सी वो कंपनी रहने वाली है जो लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी कंपनी, एक बहुत अच्छा ब्रांड बनकर उभरेगी। तो किसी एक कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा कि आप इन सभी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी ये कंपनीज बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस पे है। आपने इस कंपनी में भी देखा, IndiaMART में भी हमने देखा, मेन के बिजनेस इसका B2B है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत सारी नई ऐप्स, नए स्टार्टअप्स को एक्वायर कर रही है क्योंकि ये कुछ अलग अब करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो वो बेट्स इनकी चलेगी नहीं चलेगी बहुत ज़्यादा रिस्की अफेयर हो जाता है इनमें से किसी एक कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा लगाना। तो आप ये जो सारे न्यू एज बिजनेसेस हैं इनका एक अलग से पोर्टफोलियो बनाइए और उस पोर्टफोलियो में 4-5% से ज्यादा अपना टोटल पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में ना सोचें और इतना ही इन्वेस्टमेंट यहां पर करें, क्योंकि इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी IndiaMART इंटरमेश के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।